हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं कैसे बनाती हूँ मूली के पत्ते का एक सब्जी या साग बोलते हैं हम बांग्ला में। और ये मूली के पत्ते हैं जिसको मैंने अच्छे से धो लिए हैं नॉर्मल वाटर से, और अभी इसको मैं चाकू के सहारे अच्छे से चॉप कर लूँगी। आप जिससे चॉप करते हो आप उससे चॉप कर सकते हो, मैं तो ऐसे नाइफ के सहारे इसको चॉप कर लेती हूँ। फाइनली चॉप होने के बाद मैं ये साग को एक जालीदार ऐसे स्टेनर वाली टोकरी में रख लूँगी। रखने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, और सॉल्ट मिला के मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी। और ऐसे नीचे एक कटोरी भी रख लिया क्योंकि ये साग से पानी छोड़ता है, ये थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है खाने में। ऐसे नमक डाल के हम इसको 3-4 आधा घंटे तक रखेंगे तो देखिए ये कैसे नरम हो गया। और इसको निचोड़ निचोड़ के हम इसका जो पानी है उसको फेंक देंगे तो इसका कड़वाहट निकल जाएगा। अभी ये रेडी हो गया। इसके लिए मैं लूँगी 5 फोड़न रोस्टेड पीनट, और ये है मैं नारियल एक छोटा कुरेत के रखी हूँ ग्रेटर के साथ, और नमक। और ये देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, तेल हो चुकी गरम। इसमें 2 ड्राई चिली के साथ 5 फोड़न का मैंने छौंक लगा दिया, और इसके बाद मैं डाल दूँगी ग्रेटेड नारियल को। तो नारियल को थोड़ा अच्छे से भून लेंगे और इसका अच्छा स्मेल आने लगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी नमक, एकदम थोड़ी क्योंकि साग में ऑलरेडी नमक था, लेकिन कुछ नमक पानी के साथ भी निकल गया, और थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी टर्मरिक पाउडर। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये नट, ग्राउंड नट जो रोस्टेड किया हुआ है, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और नारियल से थोड़ी थोड़ी ऑयल निकलती है तो इसके लिए ज़्यादा ऑयल हम नहीं यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे ये मूली के पत्ते या मूली के साग को। आप लोग इसको कभी ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी बनता है। और इसको अच्छे से मिला लेने के बाद हम ढक के थोड़ा कुक करेंगे, और देन इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि मूली साग थोड़ी कड़क कड़क होती है, इसको बॉईल होने के लिए हमको पानी देना पड़ता है। तो देखिए मैंने ऐसे पानी दे दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा, और इसको फिर से हम ढक के कुछ टाइम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट, और देन रिमूव करके देखिए थोड़ा सा पानी अभी तक भी है। इसको पूरा ड्राई कर लेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितनी शुगर, और शुगर थोड़ी सी पानी है तो शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी, और इसका शुगर का जो टेस्ट है वो साग के अंदर अच्छी तरह से आ जाएगी, और साग हो जाएगी खाने के लिए रेडी। Now I am eating this saag and it's awesome. मुझे साग खाना सब अच्छा ही लगता है, बट दिस इज जस्ट एक्सेप्शनली गुड। अच्छा क्यों लग रहा है, क्या क्या? बिकॉज़ ऑफ द नारियल। बिकॉज़ ऑफ द नारियल। तो ये सबको खाने के लिए आप इंसिस्ट करोगे? ना, यू कैन ट्राई इट आउट। ओके। ओनली इफ यू आर नॉट एलर्जिक टू कोकोनट एंड ग्राउंड नट। थैंक यू गुरुदेव फॉर योर ब्यूटीफुल रिव्यू। आप लोग ये सब ट्राई करिएगा ज़रूर, और कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा, और लाइक करना भूलिएगा नहीं।